हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको अपनी लाइफ की एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि 2019 की मेरी सोलो यूरोप ट्रिप के दौरान हुई थी। ये स्टोरी मेरे दिल के काफ़ी करीब है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप इसे एंड तक सुनना, आपको काफ़ी पसंद आएगी। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। हमें लगता है कि सारे अच्छे लोग बस इंडिया में ही रहते हैं, हम ही सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं जब यूरोप घूमने गया था 2019 में सोलो, तो वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस मुझे हुआ। वहाँ पे मुझे दो देवतुल्य पर्सन मिले, एक आंटी और एक अंकल, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद उन्होंने जो जो मेरे लिए किया उसको आपसे शेयर करना है। हुआ ये था कि 2019 में जब मैं सोलो यूरोप घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ डेस्टिनेशन फाइनल की थी जहाँ मैं घूमने गया। पहले मैं वेनिस गया, वहाँ से वेरोना की डे ट्रिप की, फिर लेक कोमो, उसके बाद एम्स्टरडेम। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे सेकंड स्टे जो कि लेक कोमा में था, जो कि इटली की एक बहुत खूबसूरत जगह है, उससे रिलेटेड ये वाला वीडियो है। लेक कोमो, वहाँ पे मैंने 4 रात का स्टे किया था। तो वेनिस के बाद ट्रेन लेके मैं लेक कोमो पहुँचा। ट्रेन से उतर के मैंने बस ली, बस से उतरा, वहाँ से मैं अपना जो बहुत भारी लगेज था उसे करीब 15 मिनट तक खींचते हुए मैं उस सुनसान से इलाके में जो हॉस्टल था, हॉस्टल का नाम बोल रहा हूँ, एग्री टूरिज्मो ला डेल्टा। एग्री टूरिज्मो का मतलब होता है एक ऐसा हॉस्टल जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस भी चल रहा है और साथ में टूरिस्ट जो आते हैं उनके रहने की भी सुविधा कर रखी होती है। तो एग्री टूरिज्मो हैज़ टू बी फंक्शनल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ होटल। तो एग्री टूरिज्मो ला डेल्टा, और मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, ये वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है। ये जो मेरे पीछे गेट दिख रहा है ये एंट्रेंस है मेरे हॉस्टल का। हॉस्टल का नाम है एग्री टूरिज्मो ला डेल्टा। ये हॉस्टल मुझे बहुत ही पसंद आया। इट वाज अ ग्रेट डिसीजन टू चूज दिस हॉस्टल ओवर अदर्स। हॉस्टल बिल्कुल फार्म हाउस है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एग्री टूरिज्मो, और बहुत ही बढ़िया बना रखा है, नया है ये हॉस्टल। यहाँ सारे बहुत अच्छे बेड हैं, बहुत साफ सफाई है और ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। बहुत ही अच्छा ये हॉस्टल है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं अपनी लगेज खींच के 15 मिनट वहाँ पे हॉस्टल में पहुँचा। तो वहाँ पे जो ओनर आंटी थी उनका नाम ऑरेलिया था, मुझे बाद में पता चला। तो उन्होंने मुझे वेलकम करा और उन्होंने जो भी पेपर वगैरह चेक करने होते हैं वो मेरे चेक किए। उनको देख के मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी आंटी हैं, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। पहली बार में शक्ल से और बात से आदमी का पता चल जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे आए, मैंने कहा कि बस से उतरा, 15 मिनट में लगेज खींचा। उन्होंने कहा कि मुझे कॉल कर देते, मैं आपको अपनी कार से लेने आ जाती। मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। Che se venite state bene. In your language, no problem. Sì, quando arrivate starete bene. Okay. Something else, ma'am? Nothing more. फिर उन्होंने कहा कि आप खाओगे क्या? तो मैंने कहा कि पता नहीं, देख लूँगा, कुछ पैकेट वगैरह लाया हूँ वो उबाल के खा लूँगा। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या क्या खाते हो, तो मैंने उनको कहा कि मैं किसी भी तरह का मीट नहीं खाता। तो वो काफ़ी ताज्जुब कर रही थी इस बात पे कि ये भी नहीं खाते, फिश भी नहीं खाते। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं खाता। तो वो कहने के यहाँ तो आसपास ऐसा कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है, तो फिर तुम कैसे करोगे। वो अपने उनको इंग्लिश कम आती थी। मैंने एक और चीज़ वहाँ पे नोटिस करी कि जैसे इंडिया में इंग्लिश एक बहुत बड़ा हुआ है ना, कि ये पर्सन जो इंग्लिश बोलेगा वो बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा क्लासी है, ऐसा मानते हैं मूर्ख लोग। और जिसको इंग्लिश कम आती है या जो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता उसे गंवार समझा जाता है। ऐसा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं और इंग्लिश उनमें सिर्फ एक है। तो उन आंटी को इंग्लिश कोई ज़्यादा नहीं आती थी, वो इटालियन और दूसरी कुछ भाषाएं जो उनकी होंगी वो बोलती थी। तो वो मुझसे कह रही थी कि मैं इंग्लिश में थोड़ा स्लो स्लो बोलूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या खाओगे, तो मैंने कहा कि आप कुछ अंडे वगैरह दे देना मुझे, अगर नहीं अंडे देखूंगा मैं बाहर जाके मिल जाएं। वो कह रही है कि यहाँ तो अंडे भी नहीं मिलेंगे आसपास। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ मुर्गी पालन भी करती हूँ क्योंकि एग्री टूरिज्म है, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी मुर्गियाँ पाल रखी थी और उन मुर्गियों के जो एकदम फ्रेश निकले अंडे थे वो उन्होंने मुझे 5-6 अंडे दे दिए कि इन्हें उबाल के खा लेना। वो मुझे किचन में ले गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी को किचन यूज़ करने नहीं देती जो भी मेरे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, लेकिन मैं तुमको करने दे रही हूँ। उन्होंने मुझे गैस वगैरह, अलग तरह की उनकी गैस थी, उन्होंने कहा कि ये इस तरह ऑन होती है, और वहाँ पे मैंने अंडे उबाल के खाए।
काफ़ी थैंकफुल फील कर रहा था मैं उनको लेके। फिर अगली सुबह उठा वहाँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वहाँ पे खाने के ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहे थे मेरी वेकेशन पे यूरोप की। तो अगली सुबह उठ के नाश्ता देख के बहुत दिल खुश हो गया। वहाँ कई तरह का नाश्ता था, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्रूट जूसेस थे, अलग अलग तरह के केक थे वहाँ पे, जिसमें जो मुर्गियाँ पालती हैं उनके फ्रेश अंडे डाल के वो केक बनाती थीं, और ट्विनिंग की इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी थी, और बहुत सारी चीज़ें थीं, ब्रेड थी। तो सुबह उठ के काफ़ी अच्छा लगा और फिर मैं साइट सीइंग के लिए चला गया। फिर शाम को जब मैं आता, अगले दिन जब मैं आया, तो मैंने देखा कि उन आंटी ने बिना मेरे कहे खुद ही 5-6 अंडे अलग निकाल के मेरे लिए रख रखे थे, जबकि उनको वो अंडे अपने केक बनाने के लिए, क्योंकि वो नाश्ता उनके हॉस्टल में इंक्लूडेड होता है। हॉस्टल का प्राइस 2,500 पर नाइट था, जो कि लेक कोमो जैसी महंगी जगह के हिसाब से काफ़ी कम है। आप देखना अगर आप वहाँ जाओ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। उस पर मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, 4 वीडियो, आप देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक डाल दूंगा। हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा था, वहाँ काफ़ी अच्छे बेड थे, 5 बेड नीचे 4 बेड ऊपर, और अलग आपको रूम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, प्राइवेट रूम। तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल था, नेचर का एहसास भी वहाँ पे हो रहा था, काफ़ी शांति थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रोज़ाना साइट सीइंग कम्प्लीट करने के बाद जब मैं अपने हॉस्टल वापस आता था, तो जो आंटी थी ऑरेलिया आंटी, वो मेरे लिए करीब 6 अंडे अलग निकाल के रखती थी, ताकि मैं आके पेट भर सकूं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। कई बार यूरोप में घूमते हुए हम ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जो उतनी पॉपुलर नहीं होती, जहाँ पे हमारे जैसे इंडियन वेजिटेरियन लोगों के खाने के मतलब का कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे खाना 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 मिलना ही एक उपलब्धि लगने लगता है। तो वो 5 अंडे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी आपको लग रहा होगा सो वॉट, लेकिन मुझे लगता था कि शुक्र है कि आज मैं पेट भर लूँगा और मैं चैन से ज़िंदा हेल्दी पेट भर के जी पाऊंगा, सो पाऊंगा। और आंटी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये फ्रिज में और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जितना मन करे जो मन करे खा लेना। तो मैंने फ्रिज खोल के देखा तो उसमें उन्होंने 2-3 तरह के केक, जो ब्रेकफास्ट के लिए अगले दिन शायद यूज़ होने थे, या जो सुबह के बहुत सारा इतना सारा बढ़िया केक बचा हुआ था वो बचा के रखा था। मैं उसे खूब पेट भर के खा था, खूब बढ़िया मज़ा आया, बहुत ही अच्छा मेरा वहाँ पे स्टे कट रहा था। तो अब तक जो मैंने स्टोरी सुनाई उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है। तो 4 रात वहाँ पे गुजारने के बाद अब मेरा वहाँ से एग्ज़िट करने का टाइम आया, अगली जगह जाने के लिए। अगली जगह मुझे एम्स्टरडेम जाना था, मेरी मिलान से एम्स्टरडेम के लिए फ़्लाइट थी। तो ये जो मेरा होटल था ये लेक कोमो में बेलाजियो नाम की जगह पे था। तो मुझे क्योंकि एम्स्टरडेम जाना था तो मुझे फ़्लाइट से जाना था मिलान से, तो मुझे कुछ इस तरह जाना था कि बेलाजियो से मुझे बस लेनी थी कोमो सैन जियोवानी ट्रेन स्टेशन के लिए, कोमो सैन जियोवानी स्टेशन से मुझे ट्रेन लेनी थी मिलान ट्रेन स्टेशन के लिए, और मिलान ट्रेन स्टेशन से मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। तो इस तरह मेरे मल्टीपल कनेक्शन थे। तो जिस दिन जाना था उस दिन मैं सुबह को उठा, तो मैंने आंटी को एक दिन पहले बता रखा था कि मैं कल सुबह निकल लूँगा। तो जिस दिन मुझे जाना था, चेकआउट करना था होटल से, सुबह उठ के मैं ताज्जुब दे हो गया मुझे जब मैंने ये देखा कि आंटी ने मेरे लिए जो नाश्ता था वो अलग रख रखा था। जो उनका नॉर्मल टाइम था ब्रेकफास्ट शुरू होने का, उससे करीब 1.5 घंटे पहले आंटी ने मेरे लिए अलग से रख रखा था नाश्ता। मुझे लगा यार ये कितनी अच्छी हैं, मतलब इतना अच्छा तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे भी लोग होते हैं। उन्होंने मेरी इतनी केयर की थी, पता नहीं जैसे कि क्या उनसे मेरा रिश्ता था। तो ठीक है, मैंने नाश्ता वगैरह किया, आराम से तैयार हुआ, तब पैकिंग वगैरह करी, और फिर हॉस्टल के ही बाहर बस के लिए मैं खड़ा हो गया। Al Sanremo, San Remo. San Remo. Esatto. Where is that? In Bellagio Center. Sì, dopo il traghetto Ok. c'è il ferry boat, sulla destra c'è il carillon, non è il carillon. Ciao. बाय। अब आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेट तो मैं था पर फिर भी मैंने, क्योंकि ट्रेन की बुकिंग करा रखी थी तो मैं आराम से वेट कर सकता था। आधे घंटे का गुंजाइश थी कि मैं वहाँ पे खड़े होकर आधे घंटे बस का वेट कर सकता हूँ, ताकि बस पकड़ के मैं आगे अपने मल्टीपल कनेक्शंस लेके फाइनली फ़्लाइट एम्स्टरडेम की ले सकूँ।
तो वहाँ खड़े होकर बहुत देर होती जा रही, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट गुजरती जा रही, बस आके ही ना दे। तो मुझे लगा अबे अगर ये बस नहीं आई तो मैं आगे ट्रेन कैसे पकड़ूंगा मिलान जाने के लिए, फिर मिलान से एयरपोर्ट के लिए ट्रेन कैसे लूँगा और फिर फ्लाइट कैसे लूँगा एम्स्टरडेम के लिए। फिर आधा घंटा और बीत गया, तो इस तरह करीब आधा घंटा हो गया। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि अगर अब तुरंत 5 मिनट के अंदर बस नहीं आई तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। और ये डोमिनो इफेक्ट है कि एक डोमिनो गिरा तो अगला गिरा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, तो फाइनली मैं एम्स्टरडेम नहीं पहुंच पाऊंगा। जो इतने सारे पैसे बर्बाद होंगे सारी इन बुकिंग्स के, वो तो है ही, साथ में फिर जाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ, क्योंकि मैंने बुकिंग करा रखी थी तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अब कहीं होटल एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटेंड हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही बुकिंग हो रखी होगी जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। और जो इतने सारे पैसे मारे जाएंगे ट्रेन के, फ्लाइट के, वो सब अलग, कुल मिला के दिक्कत ही दिक्कत। तो मैं बहुत एंशियस हो गया था, बहुत चिंता होने लगी थी मुझे कि अब क्या करूँ। तो साइड में ही एक शॉप थी जिस पे मैं एक आध बार पहले भी जा चुका था। मैंने शॉप पे कहा कि ये दिक्कत है मुझे कि मेरी तो बस आगे ही नहीं दे रही, अब क्या करूँ, क्या कोई कैब वगैरह मिल जाएगी तुरंत इसी पल 5 मिनट के अंदर जो मुझे कोमो के, मतलब लेक कोमो का जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ तक पहुँचा सके। उन्होंने एक आध जगह कॉल करी, वो कह रही थी कि काफ़ी महंगी पड़ेगी। ये क्या है कि जो यूरोप में टैक्सी होती हैं वो इंडिया की तरह सस्ती नहीं होती, तो आप ये समझ लो कि सिर्फ पास के कोमो ट्रेन स्टेशन पहुंचाने के या एयरपोर्ट पहुंचाने के वो 15,000, 20,000, 25,000, मतलब जितना दिल्ली से एम्स्टरडेम या दिल्ली से मिलान पहुंचने का प्लेन का किराया होगा उससे ज़्यादा तो ये कैब में लग जाएंगे। तो ये चीज़ और डराई जा रही थी। तो जो शॉप वाली थी उन्होंने नंबर मिलाया, वो नंबर लकीली कह लो या अनलकीली, उस टाइम तो अनलकीली लग रहा था, वो नंबर मिल के नहीं दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम ऑरेलिया आंटी जो कि हॉस्टल की ओनर है उनसे बात करो, वो ही हेल्प करेंगी। मैं उन आंटी के पास गया, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ, अब ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है ये उनकी बेटी है, उन्होंने अपनी लड़की के साथ कंप्यूटर पे बैठ के देखना शुरू किया कि ये तो क्लियर हो चुका था कि अब मैं कोमो से ट्रेन नहीं ले पाऊंगा मिलान के लिए, तो फिर मिलान से नहीं ले पाऊंगा एयरपोर्ट के लिए ट्रेन, और एयरपोर्ट से टाइम से फ्लाइट नहीं ले पाऊंगा। तो और कोई ट्रेन कोमो से देखने की उन्होंने कोशिश की, उसमें थोड़ा टाइम था। फिर एक और ट्रेन स्टेशन है लेको का, एक वारेना का, उन्होंने अलग अलग ट्रेन स्टेशन से देखने की कोशिश की कि अगली जो ट्रेन का टाइम है वो कितना है, और हमें यह भी देखना था कि फ्लाइट तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं टाइम से, क्योंकि मान लो अगली ट्रेन 2 घंटे बाद की है तो फिर वो पहुंचाएगी क्या, फिर उससे आगे की ट्रेन कब पहुंचाएगी, क्या फ़्लाइट मिल भी पाएगी। तो कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस चले जा रहा था। तो वो आंटी और उनकी बेटी और मैं, हम कंप्यूटर पे देख ही रहे थे कि उनके जो पति थे वो अंकल, ओरेलिया आंटी के हस्बैंड, उनकी नज़र हम सब पे पड़ी। अब तक अंकल से मेरी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी क्योंकि आंटी से ही मेरी एक बॉन्डिंग बनी हुई थी, मैं उनसे बात किया करता था, लेकिन जो अंकल थे अचानक वो आए, उन्होंने कही क्या दिक्कत है, मैंने कही अंकल ऐसी बात है, तो वो पता है क्या कहते हैं, कोई बात नहीं मैं छोड़ आऊँगा। मैंने कही क्या, वो कह रहे हाँ मैं छोड़ आऊँगा एयरपोर्ट पे। मैंने कही हैं एयरपोर्ट पे, मतलब अंकल कह रहे कि वो मुझे पास के कोमो ट्रेन स्टेशन पे नहीं, उससे आगे जो मैं ट्रेन से जाता मिलान ट्रेन स्टेशन वहाँ भी नहीं, वो मुझे डायरेक्ट ही एयरपोर्ट पे छोड़ देते, मतलब फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, जो मैं जाता वो मुझे डायरेक्ट ए टू ई पहुँचा देते। मुझे लगा हैं अगर ऐसा हो जाए फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, और वो अंकल ये करने को तैयार हैं जबकि उनको अपने भी काम होंगे, और वहाँ पे इतनी महंगी कैब होती है, वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि कैब बहुत महंगी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ आऊँगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और कम से कम 1 घंटा या नहीं 1.5 घंटे के करीब उनको वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचने में लग जाता। और मैं इतना थैंकफुल फील कर रहा था, और वो जितने पैसे मांगते मैं उनको दे देता, लेकिन मुझे ये भी डाउट हो रहा था कि वो पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज पैसे लेने वाली मुझे लग नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी चलता हूँ थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में। मैंने कहा ठीक है।
तभी फिर उन जो हॉस्टल के बाहर एक रोड थी उस पर बहुत महंगी महंगी कार बहुत फास्ट स्पीड में चला करती थी। तो उनका जो पालतू कुत्ता था उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी कार से वो टकरा गया। तो वो अंकल उन आंटी पे और बच्चों पे गुस्सा कर रहे थे। जो उनकी बेटी थी जो थोड़ी देर पहले मेरी बुकिंग करा रही थी उसने रोना शुरू कर दिया और काफ़ी वहाँ पे चिल्लम चिल्ली हुई। फिर उसके बाद करीब इस तरह 20-25 मिनट गुजर गई। मुझे लगा कि अब जो इनके डॉग का एक्सीडेंट हुआ है और इन्हें मुझे छोड़ने जाना है, कहीं अब इनका इरादा ना बदल जाए। मुझे लगा यार ये इसका एक्सीडेंट भी अभी होना था इनके कुत्ते का। ठीक है, वो बहुत प्यार करते थे उसे। फिर अंकल वहाँ पे आए, उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया और वो मिलान एयरपोर्ट डायरेक्ट मुझे छोड़ने के लिए चलने लगे। मैं बहुत खुश हुआ। तो जहाँ पहले ये था कि मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, अब वो मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट पे पहुँचा रहे थे और अब तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा था। तो हम साथ में बैठ के एयरपोर्ट के लिए उनकी कार में चल दिए। मैं बहुत थैंकफुल फील कर रहा था और मेरा मन कर रहा था कि इनको कितना थैंक यू बोलूँ। मैंने डिसाइड किया मन में कि आगे से फिर कभी आऊँगा और यहीं पर रुकूँगा इनके हॉस्टल में। उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गई थी उस फैमिली से। वो फिर मुझे वहाँ से एयरपोर्ट के लिए ले जाने लगे। कार में हमने आपस में बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की लाइफ के बारे में जाना। वो मिलान एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो एक शॉप पे ले गए, उन्होंने कहा कुछ खा पी लो, उन्होंने कहा कि ये क्रोसांट है ये खा लो या कुछ कॉफ़ी है वो पी लो। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, वो मैंने कर लिया नाश्ता। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नाश्ता किया, उन्होंने अब तक नाश्ता भी नहीं किया था, उन्होंने रास्ते में किया नाश्ता। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये एयरपोर्ट के बाहर मुझे छोड़ देंगे। नहीं, वो एयरपोर्ट की पार्किंग में उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई और पार्किंग के बाद वो जहाँ बोर्डिंग पास मिलता है मैं कई घंटे पहले आ चुका था, क्योंकि अब तो मैं डायरेक्ट कैब से एयरपोर्ट आया था ना, तो जो एम्स्टर्डम जाने वाली फ़्लाइट का जो भी टाइम था मैं उससे 4-5 घंटे पहले अब आ चुका 4 घंटे पहले आ चुका था। तो मैंने आज तक इतनी कृतज्ञता इतना थैंकफुलनेस किसी के लिए महसूस नहीं की। मैंने उनको बहुत सारा थैंक यू बोला और मैंने उनसे कहा कि अंकल आप पैसे ले लो जो आप मुझे यहाँ छोड़ना है, आपने बहुत बड़ा मेरी मदद किया है। उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे बार बार कहा कि अंकल पैसे ले लो, आपका और कुछ नहीं तो पेट्रोल तो खर्च हुआ है ना। उन्होंने कहा कि नहीं पैसे नहीं चाहिए, मैंने पैसों के लिए नहीं किया। तो इस तरह उनके लिए रेस्पेक्ट और कई गुना बढ़ रहा था और उन्होंने कई बार कहने इंसिस्ट करने के बावजूद पैसे नहीं लिए। मैंने कहा अंकल मैं आपकी जो ये स्टोरी है ये लोगों से शेयर करूँगा और आप मुझे बताइए कि मैं अगली बार जब भी आऊँगा इटली घूमने, इटली से मुझे बहुत प्यार है, मैं लेक को मुझे एक बार ज़रूर आऊँगा और हर हालत में मैं आपके ही हॉस्टल में रुकूँगा, आपके लिए मैं कुछ लाना चाहूँगा इंडिया से, आप बताइए आपके लिए क्या लाऊँ। तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद कहा कि अगर कुछ लाना ही चाहते हो तो हिंदुइज़्म के ऊपर अगर कोई अच्छी बुक हो तो वो लाना, बाहर के लोग जो थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं वो इसकी काफ़ी इज्जत करते हैं। आके मैंने फिर बहुत सारी हिंदू रिलीजन के ऊपर हिंदुइज़्म के ऊपर बुक्स सर्च की। उससे ही अगले साल 2020 में मैंने फिर से वीज़ा अप्लाई किया। अब की बार मैंने इटली का 2 महीने का वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल भी गया और सबसे पहली डेस्टिनेशन मैंने अगेन लेक कोमो रखी। ऑब्वियसली उन्हीं अंकल का हॉस्टल, उन्हीं आंटी का हॉस्टल, लेकिन इस बार बहुत तगड़ा बैड लक रहा कि वीज़ा मिलने के बाद मार्च 2020 में जैसे ही वीज़ा मिला उसके कुछ ही दिन बाद COVID-19 आ गया और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रैवल बैन हो गया और मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। तो उसके बाद से 2021 में भी वो बैन जारी रहा, नहीं जा पाया। अभी 2022 चल रहा है, अभी भी फ़िलहाल मैं जा नहीं रहा हूँ, अगले साल का मैं ट्राई करूँगा। भगवान ने चाहे तो मैं उन्हें दोबारा ज़रूर मिलूँगा और उनके लिए एक हिंदू धर्म के ऊपर कोई बुक भी लेके जाऊँगा। और उन्हें वो तो भूल चुके होंगे मुझे, लेकिन मैं उन्हें नहीं भूला हूँ। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, काफ़ी दिल के करीब है, मुझे लगा कि इसे लोगों से शेयर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। लेक कोमो बहुत ही सुंदर जगह है जिस जगह ये सारा वाकया हुआ था। अगर आप लेक कोमो के वीडियो देखना चाहते हो तो उसके 4 वीडियो मैंने बनाए हैं, बरेना, बेलाजियो, लेको और कोमो के ऊपर। उन चारों के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें देखना, आप इन्जॉय करोगे, आपका भी मन करेगा।
वहाँ घूमने जाने का। थैंक यू वेरी मच।